हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल की सीरीज़ में आज हम ये देखेंगे कि रूल ऑफ थ्री और रूल ऑफ फाइव क्या होता है सी प्लस प्लस में। तो रूल ऑफ थ्री क्या होता है? जो हमारा रूल ऑफ थ्री था वो सी प्लस प्लस 11 के पहले आया था, और जो कि क्लेम करता है कि ये जो तीन चीज़ें मैंने लिख रखी हैं यहाँ पे, डिस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर और कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर इन तीनों में से किसी एक चीज़ को भी डिफाइन करना हमारे लिए ज़रूरी हो रहा है, ज़रूरी पड़ रहा है, अगर किसी एक इन दोनों में से किसी एक को भी डिफाइन करना, तो बाकी के तीन जो दो होंगे, यानी हमें तीनों को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक के लिए दिक्कत आ रही है हमारे प्रोग्राम में तो बाकियों के लिए भी दिक्कत आएगी। अब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर और कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर में एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे अगर आपकी कोई क्लास है सैम्पल, तो उसमें अगर दो ऑब्जेक्ट आपने बनाया S1 और S2, और फिर अगर आप ऐसा कुछ करते हैं सैम्पल S3 S1, तो इस केस में हमने जैसे कि देखा है कि इस केस में कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और एक और तरीका है जिसमें अगर हम इस तरह का कुछ काम करेंगे तब भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अगर हम ऑब्जेक्ट के डिक्लेरेशन के टाइम पे ही असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं और किसी ऑब्जेक्ट से इनिशलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो इस केस में भी हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। लेकिन अगर आगे प्रोग्राम में कहीं हम कुछ ऐसा करते हैं जैसे किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से इक्वेट करते हैं, तो इस केस में क्या होगा? कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल होता है। तो हमारे प्रोग्राम में जो कंपाइलर होता है वो तीनों चीज़ें, डिस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर और कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर प्रोवाइड कराता है। तो लेकिन अगर हमें इन तीनों में से किसी एक की भी डेफिनेशन अपनी तरफ से देनी पड़ती है, जैसे जो किस केस में हमें देनी पड़ेगी, जिस केस में हमारा जो डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कराता है उससे काम ना हो रहा हो, कोई दिक्कत आ रही हो, तो उस केस में हमें अपनी तरफ से डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो अगर तीनों में से हमें कोई एक भी अगर डिफ़ाइन करना पड़ रहा है, तो उस केस में हमें तीनों को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक के लिए दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत बाकी के लिए भी आ सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बना रखा है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा सिचुएशन कैसे कब क्रिएट हो सकता है। तो इस जो अभी आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा, इसमें हमें एक उनमें से तीनों में से एक चीज़ बनानी पड़ेगी, और हम देखेंगे कि बाकी दो के लिए भी दिक्कत वही आ सकती है। तो सपोज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि हमारी कोई क्लास है ए नाम से, और उसके अंदर कुछ पब्लिक डेटा मेंबर्स है, और जिनमें से एक हमारा जो डेटा मेंबर है वो एक पॉइंटर है, इंटीजर को पॉइंट करने वाला, कि इंटीजर वेरिएबल्स को पॉइंट करने वाला, जिसका नाम कि एस है। तो अगर हम कोई अपने प्रोग्राम में मेन में अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर टाइप का ए, और उसको 5 से इनिशियलाइज कराते हैं, तो क्या होगा? मेमोरी में हमारे जो प्रोग्राम की मेमोरी है उसमें क्या होगा? एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और उसका कुछ एड्रेस होगा और उस पर कुछ वैल्यू स्टोर होगी। तो ये हमारा जो ए वेरिएबल है उसको एक मेमोरी में स्पेस मिल जाएगी जहाँ पे ये जो वैल्यू है हमने इनिशियलाइज कराया वो स्टोर हो जाएगी। और सपोज़ उसके बाद हम अपनी ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम मैंने ओबी1 दे रखा है, और अगर हम ऐसा कुछ करते हैं जो एस जिसका डाटा मेम्बर है, जो कि एक पॉइंटर है, उसको हम एंड ए से इक्वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? जो ए हमारा वेरिएबल है उसका एड्रेस हम अपने पॉइंटर जो एस है ओबी1 के अंदर उससे पॉइंट करवा रहे हैं। तो क्या होगा? जो हमारा ओबी1 का डेटा मेंबर है एस, जो कि एक पॉइंटर है, वो जो ए वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, उसके उसको पॉइंट करने लगेगा, उसके उसके एड्रेस को स्टोर करेगा अभी ये। और सपोज़ नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं? जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है डिफ़ॉल्ट, उसे कॉल करते हैं जो कंपाइलर प्रोवाइड कराता है, तो और ob2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसमें क्या होगा? जो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है किस तरह काम करता है? वो जो भी जितने भी सारे डेटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू उठाता है, और जिसमें कॉपी करना है हमें, उसमें जिसमें कॉपी करवाना चाहते हैं हम, उसके सारे डेटा मेंबर्स में एक एक करके वो कॉपी कर देता है। तो यहाँ पे क्या होगा जब ऐसे करेंगे हम, तो ob1 के जितने भी डेटा मेंबर्स हैं सबकी कॉपी वो सब जितने डेटा मेंबर्स हैं सबको एक एक करके वो ob2 के डेटा मेंबर्स को कॉपी कर देगा। तो जब एस के केस में भी वो यही करेगा, तो जो एस हमारा पॉइंटर है वो क्या स्टोर कर रहा है? वो एड्रेस स्टोर कर रहा है। ob1 ऑब्जेक्ट का जो एस पॉइंटर है वो एड्रेस स्टोर कर रहेगा। तो ob2 जब ऑब्जेक्ट होगा उसके एस में क्या करेगा कंपाइलर? जो एड्रेस ob1 का एस स्टोर कर रहा है उसको कॉपी कर देगा। तो ये जो ब्लाइंडली कंपाइलर कॉपी कर रहा है इसे हम शैलो कॉपी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? अब जो हमारा ob2 का एस है वो भी सेम जो ए वेरिएबल है उस पर पॉइंट करने लगेगा। तो अब दो पॉइंटर्स हो गए, दो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग के जो सेम ही लोकेशन पर पॉइंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। अगर हम एक भी ऑब्जेक्ट के पॉइंटर का यूज़ करके वैल्यू चेंज करते हैं तो वो दूसरे के लिए भी चेंज हो जाएगी। जैसे सपोज अगर हम अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसा करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने ob2 का जो डेटा मेंबर ऐसा है जो कि पॉइंटर है, उसके उसके जहाँ पे उस पॉइंटर जो है हमारा वो एड्रेस जो स्टोर कर रहा है, उस एड्रेस पे जो
वेरिएबल स्टोर्ड है उसकी वैल्यू का हम एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हम स्टार का यूज़ करते हैं, इसे हम डी रेफरेंसिंग कहते हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो ये एस एड्रेस स्टोर कर रहा है उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर्ड है मैं उसे चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे मैं 10 कर रहा हूँ 5 से। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज होकर 5 से 10 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने ओ बी टू का यूज़ करके चेंज किया जो इसका एस डाटा मेम्बर है उसके लिए, लेकिन वो अब ओ बी वन के लिए भी चेंज हो चुका है। तो ये चीज़ जो यहाँ पे हो रही है ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट की हम वैल्यू चेंज करें और बाकी के हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी चेंज हो जाए। तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम में इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है, हमारा प्रोग्राम गलत रिजल्ट दे सकता है। तो अब यहाँ पे हमें इस सिचुएशन से बचने का एक ही तरीका है कि हम अपनी तरफ से जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो डिफाइन करें और वहाँ पर जो ये दिक्कत हो रही है इस दिक्कत को अवॉइड करें। कैसे कर सकते हैं कि जब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो वहाँ पे जो पॉइंटर्स वगैरह होंगे तो उन पॉइंटर्स के लिए हम ऐसे नहीं करके डायरेक्टली एड्रेस ना कॉपी करके एक नया वेरिएबल क्रिएट करके उसमें वैल्यू कॉपी करके फिर उसको पॉइंट करवाएं, तो उस केस में जो ये दिक्कत हो रही है वो नहीं होगी, एक अलग मेमोरी एड्रेस बनेगा वहाँ पर ओ बी टू पॉइंट कर रहा होगा। और जैसे कि आपने देखा कॉपी कंस्ट्रक्टर में दिक्कत आ रही है, सिमिलर टाइप की दिक्कत आपकी कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर में आएगी, क्योंकि वहाँ पर भी जो डिफ़ॉल्ट जो प्रोवाइड कराता है कंपाइलर वहाँ पे भी यही होता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा मेम्बर्स में उसमें वैल्यू कॉपी होती है। तो पॉइंटर्स के केस में भी वहाँ पे भी यही होगा, तो वहाँ पे भी इसी टाइप की कुछ दिक्कत अराइज़ हो सकती है। तो उस केस में हमें जो कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर है उसको भी अपनी तरफ से दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा, और अब जो डिस्ट्रक्टर है उसे भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर और कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें हम अपनी तरफ से खुद मेमोरी नहीं बनाएंगे और उस पर पॉइंटर्स को पॉइंट कराएंगे, तो हमें डिस्ट्रक्टर में उन्हें डिलीट भी करना पड़ेगा। तो इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि एक चीज़ हमें बनानी जरूरी पड़ी थी और उसके बाद बाकी की चीज़ों में भी दिक्कत आ रही थी, तो हमें तीनों डिफाइन करना यहाँ पर ज़रूरी हो गया था। तो यही हमारा रूल ऑफ थ्री है कि अगर डिस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर और कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर में से एक भी चीज़ हमें डिफाइन करना ज़रूरी पड़ रहा है तो बाकी तीन को भी डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उनमें भी दिक्कत आ सकती है। अब हमारा रूल ऑफ फाइव क्या है, रूल ऑफ फाइव हमारा जो रूल ऑफ थ्री है उसका एक्सटेंशन मान सकते हैं। सी प्लस प्लस 11 आने के बाद बहुत सारे नए नए फीचर्स आए, उसमें से एक था आपका मूव सिमेंटिक्स। तो मूव सिमेंटिक्स क्या होता है, मूव सिमेंटिक्स को आप शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि जो मूव सिमेंटिक्स होता है वो ऑब्जेक्ट्स को क्या अलाउ करता है कि दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके एक्सटर्नल रिसोर्सेज की जो अथॉरिटी है वो हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में पास कर सकते हैं। तो सी प्लस प्लस 11 में मूव सिमेंटिक्स आने के बाद दो और चीज़ें आ गई, जैसे अभी तो हमारा डिस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर और कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर था, अब दो और चीज़ें आ गई थी मूव कंस्ट्रक्टर और मूव असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अब रूल ऑफ फाइव क्या कहता है कि अगर इन पांचों में से हमें एक को भी डिफाइन करना पड़ रहा है तो इन पांचों को डिफाइन करना ज़रूरी है। अब क्यों, जैसे हमने रूल ऑफ थ्री में देखा था कि जो यूज़र डिफाइंड डिस्ट्रक्टर होता है, जो हम अपनी तरफ से यूज़र डिफाइंड डिस्ट्रक्टर बनाते हैं अगर, तो हमें बाकी के तीन में बनाने पड़ते हैं, और अगर हमने इन तीनों में से कोई एक भी बना दिया तो जो कंपाइलर डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कराता है मूव कंस्ट्रक्टर और मूव असाइनमेंट ऑपरेटर जहाँ पे हमें मूव सिमेंटिक्स की ज़रूरत है जिन प्रोग्राम्स में, तो ये जो यूज़र डिफाइंड डिस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर और कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं ये हाइड कर देते हैं उनकी डेफिनेशन को, तो हमें अपनी तरफ से पाँचों को डिफ़ाइन करना पड़ेगा ही। तो इसलिए अगर आप सी प्लस प्लस 11 के आगे कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और जिसमें आपका मूव सिमेंटिक्स यूज़ हो रहा है, तो आपको वहाँ पे अगर इन पांचों में से आप कोई एक भी अपनी तरफ से डिफ़ाइन करना मजबूरी पड़ रही है, आपको प्रोग्राम में डिफाइन करना पड़ रहा है, तो आपको पांचों को डिफ़ाइन वहाँ पे करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है मैंने आज आपको जो रूल ऑफ थ्री रूल ऑफ फाइव समझाने की कोशिश करी वो आपको क्लियर हुआ होगा। आप और भी गूगल पर जाके विकीपीडिया और भी यूज़फुल लिंक से और अच्छे से पढ़ के इसे डिटेल में समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।